तहसील हसनपुर के गांव सासलपुर में पशु कल्याण समिति के सदस्य रुमाल सिंह सैनी ने किया गौशाला का निरीक्षण। जनपद अमरोहा के तहसील हसनपुर के गांव सासलपुर में पशु कल्याण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर रुमाल सिंह सैनी ने गौशाला का निरीक्षण करते समय गौशाला में अधिक कमियां पाईं, जैसे कि भूसे में रेत मिला होना और नए भूसे में पुराना भूसा, जिसे खाकर पशु बीमार हो रहे हैं। ग्राम प्रधान व अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों की काफी कमी सामने आ रही है। बाबा नौमी दास ने बताया कि ये गौशाला से गाय बेच देते हैं और वो आवारा पशु जो घूम रहे होते हैं उन्हें लाकर गौशाला में छोड़ देते हैं और कुछ पशुओं को ये मार देते हैं और पशुओं का चारा भी समय पर नहीं देते हैं। डॉक्टर रुमाल सिंह सैनी ने खुद देखा तो अधिक घोटाला पाया, जैसे कि चारा काटने की मशीन भी खराब पड़ी है और जो पानी के होद बने हैं उसमें भी काफ़ी गंदगी हो रही है, उस पानी को पीकर पशु बीमार हो रहे हैं। डॉक्टर रुमाल सिंह सैनी ने 400 बीघा जमीन भी गौशाला के लिए खाली कराई है और उसमें चारा बोने के लिए कहा गया था, लेकिन अभी तक चारा भी नहीं बोया गया। गौशाला में रहने वाले कुछ व्यक्तियों ने बताया कि यहाँ पर काफ़ी लापरवाही बरती जाती है। इस गौशाला में पशुओं को चारे में खल चोकर नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से पशु कमजोर व बीमार हो रहे हैं। इस गौशाला के जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनकी काफी लापरवाही सामने आ रही है। डॉक्टर रुमाल सिंह सैनी ने कहा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और जांच कर वापस चले गए। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर रुमाल सिंह सैनी है। मैं पशु कल्याण समिति उत्तर प्रदेश सरकार से हूँ और यहाँ जो है सातलपुर गौशाला का निरीक्षण करने यहाँ पर आया हूँ। अच्छा। मैंने यहाँ पर देखा कि पशु वो के आगे जो भूस पड़ा है उसके अंदर रेता बहुत ज़्यादा है और नए भूसा के अंदर पुराना भूसा मिला हुआ है, उसे खा करके पशु बीमार हो रहे हैं और मैंने मौके पर खल या चोकर या हरा चारा बिल्कुल नहीं मिला है। यहाँ के BDO हसनपुर से को मैंने निर्देश दिए थे कि आप जो है यहाँ खाली पड़ी भूमि में चारा बोवाएँ, उन्होंने आज तक यहाँ चारा नहीं बोवाया है। लगभग 2 माह से गौशाला के अंदर मशीन खराब पड़ी है, जबकि यहाँ के ग्राम प्रधान और सचिव को CBO हसनपुर वो CBO अमरोहा फोन करके बता चुके हैं कि जल्दी से जल्दी इसे मशीन को सुधरवाया जाए या नई मशीन लगवाई जाए। पानी पीने की भी वहाँ ठीक व्यवस्था नहीं है, जो वहाँ होद हैं उन होदों में काफ़ी मैंने गंदगी देखी है और जो टोंटी हैं वो टोंटी ऊपर लगी हुई है, जिससे गंदा पानी निकलने में दिक्कत आ रही है और रात में हो प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। मैंने वहाँ पर BDO हसनपुर तथा ग्राम प्रधान और सचिव की लापरवाही देखी है। आपका नाम? हम सर बाबा नौमी दास, अल्लाह देवी मंदिर सातलपुर मेला गौशाला संस्था बहुजा अध्यक्ष बोल रहे हैं। हमारी 28 साल से प्राइवेट गौशाला चली आ रही है यहाँ पे अल्लाह देवी मंदिर के नाम से। उसमें जब हमसे मतलब जो हैगा अत्याचार और घोटाला ना सहाया गया, इन्होंने हजारों भैया कटवा दी हमारी गौशाला को चुरा चुरा के जहर दिया। किसी प्रधान कृष्णा पति सुरेश ने अपनी लेबर गौशाला में आतंकवादी भर्ती कर दिए, AGM को पटा के विधायक के लिए वो सब लेकर दी, एक तरफा जाट भी उसमें भर दिए और कुछ जाति के आदमी ने। भाई की मनमानी हो रही है, ये हमारे सन 2016 के गौ हत्या के मुंजे में इन्होंने जहर दिया गौशाला में, जो कि मौके गवाह हैं CM कोटा मुराव इससे लिया इनके खिलाफ। ये इन लोगों को AGM ने गौशाला सौंप दी, ये ठेकेदार हैं गौशाला के, यही मालिक बना दिए हैं, यही गौ बेच रहे हैं, चारा घोटाला कर रहे हैं, चोकर बेच रहे हैं। हम कहें तो हम मानने की धमकी लगाते हैं कि बूचड़ खाने के शमशाद जायज के बूचड़ खाने वालों के पार्टनर भी हैं ये। आपने किसी अधिकारी से शिकायत की थी? हमने शिकायत लखनऊ भी की, DM साहब से भी किया, AGM से भी की। क्या कहा उन्होंने? सब ने अनदेखी कर दिया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इन्हीं भ्रष्टाचारियों की मतलब सुनवाई होती है, सारी संतोष की सुनवाई नहीं होती है। अच्छा, तो ये जो गाय छोड़ के जाते हैं इन्हें गौशाला में रखते हैं? हाँ जी, ये वर्तमान प्रधान जो हमारा गौ हत्या का मुलजिम है उसी को गौशाला सौंप दिया हमने और ये यहाँ नियाब करा रहे हैं।
इनके पास जहाँ चाहती है सरकार के यहाँ से जो हम यहाँ शिकायत भेजते हैं तो वो यही निस्तारण करके भेज देते हैं। कबा झूठ बोलते हैं और ये साझाधारी बनते हैं, जो गौ पटवा रहे हैं झाड़ी बूचड़ खाने में, वहाँ के पार्टनर हैं। हम यहाँ पे जब योगी सरकार आई तो यहाँ पर गौ माता अधिक देगी, तो हमने मांग करी तो यहाँ सरकारी गौशाला आगे मतलब घोषणा कर दी योगी जी ने। हमारी प्राइवेट गौशाला को कोई मांग अनुदान नहीं दिया, हमने तो उसी सुविधा मांगी थी, लेकिन ये सरकार ने सरकारी गौशाला खोल कर यहाँ ये विपक्ष सरकार विरोधी और हमारे मुल्क में गौशाला में नियुक्त कर दिया एसडीएम साहब ने, और हमने कहा तो हमारी बात में कोई ध्यान नहीं दिया।